यकीन करें कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है, ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती है, लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने घर के अंदर एक तो आपको बुलाते हैं, आपको हराते हैं, फिर आपकी इज्जत भी एक तरीके से ना जिसको कहते हैं ना डुबो के रख देते हैं, इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, ऐसी विक्ट्री लेके जाते हैं, तो आपको व्हाइट वॉश भी करेंगे और फिर आप ऐसे बुरे तरीके से हार के जाओगे कि आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। द रियल बाप ऑफ क्रिकेट इज भारत की टीम, इंडियन टीम। सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज तक जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना वो इंडिया है। इसको जिससे कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है, रियल डोमिनेशन जो होती है ना वो करके दिखा रहा है कि T20 का हाइएस्ट टोटल भी भारत के पास आ गया और ये इनके पास आना चाहिए था। तर ये अपनी हरकतें अपने पास रखा करो, इंडिया को इस टाइम कोई खेलने वाला जमा नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ। जो अपडेट आज आपको इंडियन बैटिंग ने किया ना, 297 T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट, इमेजिन भी एज आ पाकिस्तानी मैं ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकता, एज आ पाकिस्तानी मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यार ऐसा होता है। 297 हम पाकिस्तानियों से तो 120 नहीं थे बने T20 में, हम पाकिस्तानियों से तो मेरी जान 120 नहीं थे बने T20 क्रिकेट में, हम क्या ही किसी को अपडेट करेंगे। ऐसा मैच हुआ एक जबरदस्त किस्म का कि तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के फॉर्मर ओपनर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली, बहुत मैचेस देखे, मगर ये अपने नोयर का एक डिफरेंट मैच है। और इस मैच को देखकर वैसे पहले भी जो अचीवमेंट टीम इंडिया कर चुकी है आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मगर इस मैच के ऊपर आकर तो फुल स्टॉप लग गया है कि इस टीम के बीच दूसरी टीम का फर्क जमीन आसमान का जनवन फर्क हो चुका हुआ है, यानी कोई मुकाबला ही नहीं, जिसे बोलते हैं ना कोई मुकाबला नहीं है। ये वो क्रिकेट खेल रहा टीम इंडिया और क्रिकेट का माने बदल जो था ना कि क्रिकेट बाय चांस गेम है, अब क्रिकेट बाय इंडिया गेम बन चुकी हुई है। भाई घर के अंदर बुला के ऐसे जीतना ये सिर्फ इंडिया कर सकती है। यकीन करें कि जो भारत इस वक्त क्रिकेट खेल रहा है ऐसी तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी अपने घर में नहीं खेलता, ऑस्ट्रेलिया में भी जाके दूसरी टीमें परफॉर्मेंस करके दिखा देती है, लेकिन जो भारत इस वक्त अपने घर के अंदर क्रिकेट खेल रहा है इसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अपने घर के अंदर एक तो आपको बुलाते हैं, आपको हराते हैं, फिर आपकी इज्जत भी एक तरीके से ना जिसको कहते हैं ना डुबो के रख देते हैं, इतनी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, ऐसी विक्ट्री लेके जाते हैं, एक तो आपको व्हाइट वॉश भी करेंगे और फिर आप ऐसे बुरे तरीके से हार के जाओगे कि आप किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। द रियल बाप ऑफ क्रिकेट इज भारत की टीम, इंडियन टीम। सच्ची में इंग्लैंड, लोग कहते हैं इंग्लैंड ने क्रिकेट को दरियाफ्त किया, लेकिन आज तक जो क्रिकेट के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है ना वो इंडिया है। इसको जिससे कहते हैं ना क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रहा है, रियल डोमिनेशन जो होती है ना वो करके दिखा रहा है कि T20 का हाइएस्ट टोटल भी भारत के पास आ गया और ये इनके पास आना चाहिए था, इस टीम के पास होना चाहिए, दुनिया की सबसे बड़ी T20 के लिए ये लोग करवा रहे हैं और ये इन्हीं की टीम को सूट करता है कि T20 का हाईएस्ट टोटल ये लोग रखें। इंडिया को इस टाइम कोई खेलने वाला जमा नहीं है, कोई पैदा नहीं हुआ। जो अपडेट आज आपको इंडियन बैटिंग ने किया ना, 297 T20 क्रिकेट में सेकंड हाईएस्ट, इमेजिन भी एज आ पाकिस्तानी मैं ये चीज इमेजिन भी नहीं कर सकता, एज आ पाकिस्तानी मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि यार ऐसा होता है। 297 हम पाकिस्तानियों से तो 120 नहीं थे बने T20 में, हम पाकिस्तानियों से तो मेरी जान 120 नहीं थे बने T20 क्रिकेट में, हम क्या ही किसी को अपडेट करेंगे। हम तो दुनिया में खुद अपडेट आए होने आए हैं, हम तो दुनिया में खुद अपडेट होने आए, यकीन कर लो यार, हम तो दुनिया में खुद अपडेट होने आए हैं, हमें तो लोग खुद दुनिया में अपडेट करते हैं, हम किसी को क्या ही अपडेट करेंगे यार, हमने किसी को क्या ही अपडेट करना है। शक्लों पे हमारी लानतें जमी हुई हैं, परफॉर्मेंस हमसे होती, परफॉर्मेंस हमसे दी नहीं जाती, हम यार क्या ही करेंगे, निकलो मेरे घंटे के बाहर एक एक करके निकलो बाहर, बजा दिया पकड़ के। आज इंडियन टीम ने बांग्लादेश को, यंग टीम इंडिया, विदाउट विराट कोहली, विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट शुभमन गिल, ऐसा मैच हुआ एक जबरदस्त किस्म का कि तमीम इकबाल जो बांग्लादेश के फॉर्मर ओपनर हैं वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत क्रिकेट खेली, बहुत मैचेस देखे, मगर ये अपने नोयर का एक डिफरेंट मैच है।
और इस मैच को देखकर वैसे पहले भी जो अचीवमेंट टीम इंडिया कर चुकी है आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, मगर इस मैच के ऊपर आकर तो फुल स्टॉप लग गया है कि इस टीम के बीच दूसरी टीम का फर्क जमीन आसमान का जनवन फर्क हो चुका हुआ है, यानी कोई मुकाबला ही नहीं, जिसे बोलते हैं ना कोई मुकाबला नहीं है, ये वो क्रिकेट खेल रहा है टीम इंडिया। और क्रिकेट का माने बदल जो था ना कि क्रिकेट बाय चांस गेम है, अब क्रिकेट बाय इंडिया गेम बन चुकी हुई है, यानी जैसा उनका मन करेगा वो भले टेस्ट को T20 बना दें, और जो टीम टेस्ट को T20 बना सकती है वो T20 को किस तरह से खेलेगी, कौन सा मसाला डालेगी, वो आपको हैदराबाद में नजर आ चुका होगा। और फिर मैं बात करूंगा संजू सैमसन की, ये वो खिलाड़ी हैं भारत के जहां पर एक दिन पहले उनके खिलाफ कंपेन चल रही थी क्या जस्टिस फॉर टीम इंडिया कि भाई आपने इस बंदे को क्यों खिलाया है, पिछले दो वर्षों में उसकी सिर्फ 150 थी, 8 मैच 2023 में खेले, 8 मैच 2024 में खेले, पिछला मैच जब टीम इंडिया जीता मैंने उन पर एक अलग व्लॉग बनाया संजू सैमसन के ऊपर कि यार आप ऐसे प्लेयर के खिलाफ कंपेन कर रहे हैं जो बहुत धांसू प्लेयर है, अलग बात है कि आप उनकी 50 नहीं ज्यादा बनी कि दो सालों में सिर्फ एक ही 50 है उनकी, 297 कोई सोच भी सकता है, कोई ये थिंकिंग भी कर सकता है कि 297 कोई टीम मार देगी T20 के अंदर, पाकिस्तानी टीम के तो ख्वाबों के अंदर भी जो टीम 300 के करीब नहीं जा सकते, इनका मैक्सिमम जो थिंकिंग होगी ना वो 240-250 की होगी, वो पकड़े 300 कर गई है और अगले किसी और मैच के अंदर उन्होंने जिसको कहते हैं ना सारे 300 भी चले जाना है, अगर वो टीम 10 ओवर में 150 कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है, अगर एक ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं तो वो ऐसे लगातार 3-4 ओवर में 5 छक्के मार सकते हैं, उनके पास ऐसी ऐसी जात का प्लेयर है जिसका मुकाबला ही नहीं है। पिछले मैच के अंदर नीतीश कुमार रेड्डी को तारीफे कर रहे थे, क्या प्लेयर है ये प्लेयर है, उसको देख के लग रहा था हमारे पास कुछ है ही नहीं, आज के मैच के अंदर संजू सैमसन आ गया, हर मैच के अंदर अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, रिंकू सिंह, रियान पराग, संजू सैमसन, किस किस प्लेयर को एक्सप्लेन करें, कहां से लाते हो इतने प्लेयर, किस जगह से ये प्लेयर्स आते हैं, कहां से उठा के लाते हो, जो आता है वो परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो आता है वो अपनी टीम को मुकाबले जितवा देता है, जो आता है वो ऐसी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाता है बयान ही नहीं कर सकते, बल्लेबाज तो है ही है, बॉलर्स भी कम नहीं है। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे आज भारत ने बांग्लादेश को 133 रन से तीसरे T20 मैच में हरा दिया। भारत ने आज पहले बल्लेबाजी कर 297 रन का स्कोर बांग्लादेश के सामने रख दिया, जिसमें संजू सैमसन ने 111 रन की पारी खेली और सूर्य कुमार यादव ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर 75 रन बनाए, जिसमें कि हार्दिक पांड्या और रियान पराग ने आखिरी ओवर्स में आकर तूफानी बल्लेबाजी कर भारत को 297 रन्स के पार पहुंचा दिया। वहीं पर जैसे ही बांग्लादेश बैटिंग करने आई तो वो पूरी तरह प्रेशर में लग रही थी और इसलिए पूरी टीम 164 रन्स पर ही ऑल आउट हो गई। जिस तरीके की बैटिंग का प्रदर्शन आज भारत ने बांग्लादेश के सामने किया है, पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया, जहां पर ये वही बांग्लादेश की टीम थी जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर उनको वाइट वॉश किया था, पर जिस तरीके का हाल बांग्लादेश का भारत ने किया है इसे पता चलता है कि भारत और बाकी टीमों का क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड कहां पर है। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।